हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे जवान की, क्योंकि जवान को रिलीज होने में 40 दिन से भी कम दिन बचे हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक कोई नई अपडेट नहीं आई है। काफी लोग जानना चाहते हैं कि भाई आखिर जवान के मेकर्स क्या कर रहे हैं। आदि पुरुष की अपडेट आ गई, मैदान की अपडेट आ गई, ब्लडी डैडी की अपडेट आ गई, लेकिन जवान की अपडेट क्यों नहीं आई? तो देखो, अभी आज 25 अप्रैल तक तो जवान फिल्म से जुड़ी कोई नई अपडेट नहीं आई है, लेकिन खबरों की माने तो जवान 2 जून को ही रिलीज होगी। जी हाँ, कहा जा रहा है कि 2 मई को जवान का टीजर रिलीज होगा और इसके बाद फिल्म के गाने और मई के लास्ट वीक में ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज होगा। अब ऐसा कहा तो जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जवान 2 जून को रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर एक और खबर फैल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जवान पोस्टपोन्ड होगी और अब ये फिल्म 28 जून को रिलीज होगी। जवान फिल्म के साथ एक और फिल्म की अपडेट नहीं आई है और उस फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि सत्य प्रेम की कथा पोस्टपोन्ड होगी और अब उसकी जगह जवान फिल्म रिलीज होगी। 28 जून को बकरीद है और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि जवान 28 जून को ही रिलीज होगी। तो अब देखते हैं जवान के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी जवान फिल्म से जुड़ी कोई अपडेट आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। Ready. फरहाद सामजी की मुश्किलें आए दिन बढ़ते जा रही हैं। किसी का भाई किसी की जान को देखने के बाद अब लोग और भी ज्यादा मांग कर रहे हैं कि उन्हें हेरा फेरी 3 से बाहर कर दिया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फरहाद सामजी ने ही बच्चन पांडे फिल्म को डायरेक्ट किया था जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। किसी का भाई किसी की जान को भी फरहाद सामजी ने ही डायरेक्ट किया है जो कि ईद और सलमान खान की वजह से हिट हो रही है। अगर सलमान खान नहीं होते तो ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती। तो किसी का भाई किसी की जान को देखने के बाद फैंस और भी ज्यादा मांग कर रहे हैं कि उन्हें हेरा फेरी 3 से बाहर किया जाए। खबरों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में हेरा फेरी 3 के मेकर्स डायरेक्टर को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ज्यादा चांसेस हैं कि अब फरहाद सामजी हेरा फेरी 3 से बाहर हो जाएंगे। इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म जेलर 10 अगस्त को रिलीज होगी। ऑफिशियल नहीं है लेकिन खबरों की माने तो जेलर के मेकर्स 10 अगस्त का प्लान कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में जेलर फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस होगी। रजनीकांत की फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार ने डायरेक्ट किया है जिन्होंने थलापड़ी विजय की फिल्म बीस्ट को डायरेक्ट किया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म योद्धा की रिलीज डेट चेंज हो गई है। योद्धा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिशा पन्नी और आशी खन्ना अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो 7 जुलाई को रिलीज होने वाली ये फिल्म अब 15 सितंबर को रिलीज होगी। 15 सितंबर को राजकुमार राव की सीरीज भी रिलीज होगी। डायरेक्टर अजय भूपति की अगली फिल्म मंगलावरम का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। यहाँ इस पोस्टर में आप पायल राजपूत को देख सकते हैं। अगर आपने तेलुगु सुपरहिट फिल्म RX 100 को देखा है तो उस फिल्म को अजय भूपति ने ही डायरेक्ट किया था। तो अजय भूपति की एक और फिल्म आ रही है और उस फिल्म की शूटिंग अगले महीने स्टार्ट होगी। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन कहा गया है कि ये फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में रिलीज होगी। द वीचर सीजन 3 का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। पिछले दोनों सीजन की तरह इस तीसरे सीजन में भी 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि द वीचर का ये तीसरा सीजन हेनरी केविल का आखिरी सीजन होगा। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सुपरमैन की वजह से हेनरी केविल ने द वीचर सीरीज को छोड़ दिया है और अब आगे सीरीज में ल्यूक हेम्सवर्थ गेराल्ट के रोल में नजर आएंगे। तो हेनरी केविल ने सुपरमैन की वजह से द वीचर सीरीज को छोड़ा और बाद में जेम्स गन ने हेनरी केविल के सुपरमैन को बंद कर दिया। सुष्मिता सेन की क्राइम थ्रिलर सीरीज आर्या सीजन 3 की शूटिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है। आर्या के पिछले दोनों सीजन को काफी पसंद किया गया था और लोग तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सीजन 3 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और ये सीरीज इसी साल के एंड तक देखने को मिलेगी। वन लाइफ ट्वाइस द स्ट्रेंथ, इट्स टाइम फॉर राउंड 3। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि करण जौहर धड़क का दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं और इसलिए में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति दीमरी लीड रोल में नजर आएंगे। लेकिन ये धड़क का सिक्वल नहीं होगा बल्कि करण जौहर एक और रिमेक फिल्म लेके आ रहे हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो सिद्धांत चतुर्वेदी की ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई तमिल सुपरहिट फिल्म परीरुम पेरुमल की रिमेक होगी। आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2024 में रिलीज होगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप बॉलीवुड की एक और रिमेक फिल्म के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।